गाड़ी अपने आप चल रही है, टर्न भी अपने आप कर रही है, देखो ये रोड कैसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री शकांक्षा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है कौन सा डे? आज वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे का दिन है एंड हम लोग के ऑफिस की अभी 2 वीक की छुट्टी ली हम लोगों ने, क्योंकि अभियुक्त का बर्थडे भी आ रहा है और हमारे पास छुट्टी बची थी तो हमने अभी ले ली। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर, एक तो खाने का ऑर्डर देना है, केक की बात करनी है, तो ये 2-3 काम है बर्थडे के लिए। एंड आज निकल गए हैं, आज निकल गए आज की ड्राइवर है कांचा जी। दिन है और बहुत तेज धूप है, पर आपको फिर भी कैलिफोर्निया से बेटर, कैलिफोर्निया से धूप कम है। असल में हम 2 दिन अभी एक फ्रेंड की वेडिंग में कैलिफोर्निया गए थे, तो एले के पास स्टेट पार्क है उधर गए थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, कलाबसास के अराउंड, तो बहुत ही गर्मी थी। तो यहाँ आए तो अच्छा लग रहा है वापस आके कोलोराडो में, क्योंकि इतनी गर्मी इधर तो नहीं है, उधर भी उतनी नहीं थी बाकी जगह, बट वो एरिया में बहुत गर्म था, वो वैली के बीच में जो एरिया था वहाँ बहुत गर्म था। ठीक है, अभी आ गए हम लोग कल रात, तो अब बर्थडे की तैयारी करते हैं। वैसे भी कुछ और काम है नहीं, छुट्टी है बाकी। एक और अच्छा लगता है मुझे कि इसमें पूरा मिरर है ऊपर, तो पूरी आसमान दिखता है, पूरी गाड़ी। स्पीड लिमिट से थोड़ा सा भी ऊपर होती है गाड़ी तो ये बीप कर देता है, तो ये मैंने आकांक्षा के ड्राइविंग के लिए स्पेशली ये फीचर ऑन किया है, क्योंकि अक्सर स्पीड लिमिट के ऊपर जाती है, तो सेफ्टी याद दिलाने के लिए कि भैया कम हो जाओ, क्योंकि अभी लिमिट 40 थी और ये 40 के ऊपर चल रही थी। ये सब गाड़ियों को ऐसे मैप कर लेता है। तो गाइज़ हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया है बर्थडे पार्टी के लिए, और अभी हम लोग केक का ऑर्डर देने आए थे, पर केक का अभी हमारे पास फोटो नहीं है, तो मैं थोड़ी जाके अब रिसर्च करूँगी कि कैसा केक चाहिए, तो थीम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो देखते जाके। एंड ऑल्सो अभी हम लोग ने लिया है देखो पेस्ट्री, और हम ऑर्डर करना है तो खुद ही खाना है मैंगो लस्सी, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा डिस्प्ले में चीज़ें रहती है बेकरी की, इंडियन स्टोर में जहाँ पे हमने केक दिया है, तो हमको ऐसा इच्छा हो गई खाने की, तो हमने कुछ पनीर पफ्स भी ले लिए हैं घर के लिए। तो हो गया ना अपनी पार्टी की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, खाना ऑर्डर हो गया, खाना तो मेन होता है, डेकोरेशंस हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है तो वो तो हम खुद ही करेंगे, वो तो खुद ही हो जाएगा। और हम लोगों ने सोचा है घर पे ही पार्टी करें, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे अभियुक्त है तो अगर वो थक गया या उसको सोना है या वो रो रहा है मान लो, तो हम एटलीस्ट उसको ऊपर वाले रूम में ले जाके सुला सकते हैं। अभी क्या अगर बाहर करेंगे तो वो थोड़ा अनइजी हो जाएगा, नई प्लेस नए फेसेस देख के, तो इट्स बेटर कि घर पे ही करे उसका कंफर्ट जोन में, है ना? वही हाँ, तो दूध बनाना, दूध पिलाना वगैरह इजी रहेगा। हाँ, या उसको मान लो खिचड़ी खिलानी है, क्योंकि वो ये सब खाना तो खाएगा नहीं बाहर का, उसको हम खिचड़ी और ये सब ही देते हैं, मतलब ऐसा हेल्दी होम कुक्ड फूड, तो घर पे इजी होगा उसके लिए। तो यहाँ घर पे ही पार्टी कर रहे हैं, ऑल्सो वेदर अगर लकीली अच्छा हुआ तो बैकयार्ड में भी थोड़ा हम लोग बलून्स और डेकोरेशन कर देंगे तो अच्छा लगेगा। गाइस देखो गाड़ी अपने आप चल रही है, टर्न भी अपने आप कर रही है, देखो ये रोड कैसी है। ऑटो पायलट पर डाल के चाय पानी कर रहे हैं हम लोग। टेस्ला जिंदाबाद। वो उसने कितना अच्छे से टर्न कर रही है, वो बहुत स्मूथली टर्न करती है, जैसे अभी आगे टर्न आने वाला है।
बाप रे तुझे डर नहीं लग रहा? मुझे ये चला चला के ना कुछ दिनों से भरोसा हो गया है ये ठोकेगी नहीं। क्योंकि रोड में बहुत कर्व्स हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी रोड है पूरा रास्ता। लेकिन वैसे मैं एक हाथ रखता ही हूँ कि कुछ ऐसे हुआ तो संभाल सके, क्योंकि ऐसा है कि हाथ रखना जरूरी है स्टीयरिंग पे। हमेशा हाथ तो रहता ही है, कभी लगा तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रखना है, पानी घूमेगा, पानी निकलेगा फवारे तो ये रिंग घूमेगी और ये पूरा घूमेगा, लाइट जलेगी। इसको बंद कर दो आगे से। हाँ हाँ ऐसे पानी में इसको सिर्फ ये वाला पार्ट रखना है, ये पार्ट जमीन के लिए। हाँ ये पार्ट पानी के लिए, ये पानी के लिए। मजा आया? हाँ। ये रिटर्न गिफ्ट इसके लिए। एक इसमें ले लिया। ओह खुद ही चल रहा है। बट अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पानी में भी डाल के देखेंगे। हाँ। इसमें भी लाइट वाइट है। तो गाइस अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारी दोनों गाड़ियां एक साथ गैराज में रखने की, देखते आती है क्या। अंदो 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 गाइस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, देखो यहाँ से थोड़ा पीछे करना पड़ेगा पर इधर जगह नहीं है हमारे पास। थोड़ी यहाँ पे जगह बना रहे हैं। आंदो 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 बस। वैसे थोड़ी और जगह है, मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा। तो गाइस जीप आ चुकी है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दोनों SUVs है और गैराज में बाकी सामान भी रहता है बहुत सारा, गार्डनिंग से रिलेटेड ट्रैश बिन्स रहते हैं और भी जो भी मिसलेनियस सामान है यहाँ पे, देखो टूल्स वगैरह, टूल किट ये सब रहता है, स्नो ब्लोअर है, लॉन मोवर है, तो इस वजह से ना बहुत स्पेस ये सब ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, देख लो मिसलेनियस। तो यहाँ पे अब टेस्ला खड़ी करेंगे, वहाँ पे है हमारी टेस्ला। तो गाइस देखो इधर टेस्ला भी आ गई है, आराम से आ गई। गाइज ये देखो हमने टेस्ला का कार डिस्कवर में डाल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। अभियुक्त के बर्थडे के लिए हमने केक ऑर्डर कर दिया है, तो हर चीज़ थीम के हिसाब से कर रहे हैं। अब आपको कौन सी थीम है वो उसी दिन पता चलेगा। तो रिटर्न गिफ्ट्स, सारा डेकोरेशन, केक,
हर चीज वो थीम के अकॉर्डिंग मैच कर। खाना तो हमें पिकअप नहीं करना है, खाना पिकअप नहीं करना, वो लोग हाँ बस केक लेने आना है, तो हमारे घर से ये 5 मिनट दूर ही है। हाँ। तो कोई भी पिकअप करने आ जाएगा। और हाँ मुझे लगता है देखो हमारा खाना हो गया, केक हो गया, डेकोरेशन हो गया, सब चीज ऑर्डर हो चुकी है, तो बस सब हो चुका है, और क्या बाकी है, प्रिपरेशन है ना। हाँ ओके वी आर गुड। ठीक है अभी हम ऐसा लग रहा है कि कुछ शादी की तैयारी कर रहे हैं अगले हफ्ते। ठीक है अभी केक का हो गया खाने। एक्चुअली गाइस हम दो इवेंट करने वाले हैं, एक है केक स्मैश जो कि यूएस में बहुत होता है बच्चों के बर्थडे पे, स्पेशली फर्स्ट बर्थडे पे। इंडिया में केक स्मैश जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो बेसिकली उसमें ये होता है कि थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं और फिर बेबी के सामने एक केक रख देते हैं और फिर बेबी को छोड़ देते हैं, उस वो केक खाता है, थोड़ा खेलता है, उसकी पूरी बॉडी पे केक केक हो जाता है, फोटोज लेते हैं क्यूट क्यूट। तो या वो भी एक करने वाले हैं, तो वो हम ये वीकेंड ही करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती बर्थडे के दिन बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाए और फिर वो ओवरवेल्म हो जाए, थक जाए, तो इसलिए केक स्मैश हम ये वीकेंड कर रहे हैं और फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड अवयुक्त का बर्थडे। तो गाइज होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।